हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल सी एक्सक्लूसिव के अंदर। और गाइज, आपको पता है मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी। इसमें मैंने पार्ट वन के अंदर जो मैंने बात की थी वो आपसे की थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इस वाली वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। मतलब ये देखें, इस पार्ट के बाद आपके पांचों के पांचों एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बन जाएगी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं एलएलपी एक्ट से, क्योंकि आपको पता है एलएलपी एक्ट पहले 6-7 पेज का होता था, इस बार कंटेंट बढ़ा दिया गया है, उसके अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं और वो बड़ा टॉपिक इंसर्ट कर दिया गया पूरा। मैंने तो आप लोगों को अगर पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे अपलोडेड है एलएलपी एक्ट विद अमेंडमेंट्स, आप पढ़ सकते हैं। मैं एलएलपी एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, देखना आपको पहला पढ़ना एलएलपी एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो एलएलपी के, कैरेक्टरिस्टिक्स साइलेंट फीचर्स एक ही बात है एलएलपी के वो। सेकंड आपको पढ़ना है एलएलपी और एलएलसी में डिफरेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में डिफरेंस। थर्ड पढ़ना आपको स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। फोर्थ आपको पढ़ना है असेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। फिफ्थ आपको पढ़ना है सेक्शन 5। सेक्शन 5 ना एक आपका सेक्शन है, इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है कि मतलब कौन कौन से पार्टनर जो है वहां पे क्या नहीं बन सकते, कौन कौन से लोग पार्टनर नहीं बन सकते, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। एग्जांपल, कोई बंदा अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए, या किसी ने एप्लीकेशन लगाई है इंसॉल्वेंसी के, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो सेक्शन 5 उसके बारे में। उसके बाद ये दो टॉपिक नए आए हैं जो मैंने नए वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से मार्क करे हैं अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स में। एक है टॉपिक विसल ब्लोइंग और एक टॉपिक है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने एलएलपी एक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता सर कंपनी एक्ट की बारी। कंपनी एक्ट में अगर मैं इंपॉर्टेंट एक्ट टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें आपको पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, उसके केसेस, उस पर केस जरूर आते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, और उसके अंदर वो डिविडेंड दे सकते नहीं दे सकते, उसकी बेसिक बातें पढ़नी है आपको, उस पर केस बन के आता है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में क्या फर्क होता है। नेक्स्ट स्मॉल कंपनी के प्रोविजन, नेक्स्ट 1% कंपनी के प्रोविजन, नेक्स्ट कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर सेक्शन 7 वो पढ़ना है तुम्हारे को। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार कंपनी बन गई उसका इफेक्ट क्या होगा सेक्शन 9। और नेक्स्ट 3 डॉक्ट्रिन है, उसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। इन तीनों डॉक्ट्रिन में से जो इनडोर मैनेजमेंट है वो बार बार पूछता आईसीआई, पिछले कई अटेम्प्ट से इनडोर मैनेजमेंट आ रहा था, इस बार मेरे को उम्मीद है या तो अल्ट्रावायर्स आएगा या कंस्ट्रक्टिव नोटिस आएगा, लेकिन स्टिल आप तीनों पढ़ के आना, तीनों में से कोई एक जरूर आएगा, ये डेफिनेटली गारंटी है। ये हमने बात करी सर कंपनी एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब आते हैं पार्टनरशिप एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इसमें आपको पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। नेक्स्ट पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप में फर्क क्या होता है। नेक्स्ट पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग और जो बोलते हैं वो क्या है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ अ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी एंड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। माइनर अगर आपको पता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड होता है, तो अगर वो मेजर होने के बाद पार्टनर बनना चाहता है या नहीं, तो उसकी पोजीशन क्या होगी बनने के बाद, और बनने अगर वो छोड़ता है तो क्या होगी उसकी पोजीशन। नेक्स्ट है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, इसका सेक्शन है 19, इसके ऊपर केस आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में एक सेक्शन 20 है एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। ये 19 और 20 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद करने हैं पार्टनरशिप एक्ट के। नेक्स्ट है टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69 सबसेक्शन 2। आपको पता होगा पार्टनरशिप को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है लेकिन एडवाइजेबल होता है, तो उसके लिए कोई टाइम भी फिक्स नहीं होता, लेकिन उसके अंदर सेक्शन 69(2) है, वहां पे तुमको मिल जाएगा 69(2) सेक्शन 69 सबसेक्शन 2, उसके अंदर कुछ पॉइंट है, तो उसके ऊपर केस बन के आता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको पता है ना, आप अदर पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकते, आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते, सुअर पे सुपर का सेटअप क्लेम नहीं कर सकते, वो वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन अगर आप किसी पार्टनर को निकालना चाहते, एक्सपेल करना चाहते तो क्या होगा, उसके अंदर एक टॉपिक है टेस्ट ऑफ गुड फेथ, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर वाला। नेक्स्ट आपको पढ़ना है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, दो मोड से वाइंड अप होती है पार्टनरशिप, दो मोड से डिसॉल्व होती है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एलएलपी एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट के और कंपनीज एक्ट के। एक चीज क्लियर है सर, मैं फिर मैंने पहले वाली वीडियो बोला, मैं बोल देता हूं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ये नहीं है कि इसके बेस पे पेपर कराओगे, जिन बच्चों ने अब तक पढ़ाई नहीं करी है वो इसको कर सकते हैं, लेकिन मेजरली मैंने उनके लिए बनाया है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मतलब जिन्होंने पूरा पढ़ाई कर ली है और उनको एक डायरेक्शन चाहिए कि सर किस पे ज्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले भाई इन पे फोकस ज्यादा करना है। मैंने कहीं से ये नहीं बोला खाली इन्हीं को पढ़ के चले जाओ और काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया भाई, वो कर जाओ, क्या पता तुम्हारा भला हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अलॉट, बाय बाय। एंड साथ जिन लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अलॉट।